वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एन डी ए मैथ्स क्लासेस बाई डी बी सर तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन ऑफ एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू और इसके साथ आपका एक्सरसाइज भी कम्प्लीट हो जाता है एंड चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाता है एंड ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट तो ध्यान दीजिएगा आप स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर इलेवन प्रूफ दैट द पैलोग्राम सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल इजर ओमबस ओके तो यहाँ पे फिगर इसका बना लेते हैं पहले हम लोग एक सर्कल को सरकम कर रहा है पैलोग्राम और पैलोग्राम को हमने प्रूव करना है रोमबस सर्कल बनाना बड़ा टफ हो जाता है ओके चलो काम चले चल जाएगा इससे इसका सेंटर हम मान लेते हैं ओ ओके okay, और एक पैलोग्राम हम बना लेते हैं यह ये हमारा एक पैलोग्राम हो गया है जो कि सरकम स्क्राइब कर रहा है सर्कल को ओके थोड़ा सा इसको हम हल्का सा इरेज कर लेते हैं ओके तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी एक पैलोग्राम है ए बी सी डी यहाँ पे भी थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ रही है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें यहाँ पे चलो चलेगा बाकी आपको समझ में आना चाहिए ए बी ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज सी एंड दिस इज डी तो ए बी सी डी क्या है पैलोग्राम है उसके जो साइड्स हैं वो सर्कल को पॉइंट्स पी क्यू पी पी को अच्छे से बनाते दो पी क्यू आर और एस पे टच कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे गिवन में आ जाएगा आपका ए बी सी डी इज इज़ ए क्वारिलेटरल ए बी सी डी इज ए क्वारिलेटरल विच इज़ सर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं हु साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर टचिंग द सर्कल्स एट पॉइंट्स पी क्यू आर एन एस रेस्पेक्टिवली ये आपका गिवन हो गया ओके और हमने क्या प्रूफ बनाया टू प्रूफ ए बी सी डी इज़ अ रोमबस तो इसके लिए आप जैसे प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए पैलोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर किसी भी पैलोग्राम के एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाएं कोई भी पेयर तो वो आपका बन जाता है रोमबस जैसे ये हमने एक पैलोग्राम बनाया यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस पैलोग्राम ए बी सी डी में ठीक है अगर ये प्रूव कर दूँ कि ए डी और डी सी इक्वल है तो ये आपका रोमबस कहलाया जाएगा या हम कर दें कह दें ए डी और ए बी इक्वल है एडजेसेंट साइड्स हो गए आपके ये इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा रोमबस बन जाएगा या आप बोलो सी डी और बी सी इक्वल है ठीक है ये भी आपके एडजेसेंट साइड्स हो गए कॉमन वर्टेक्स सी हो गया तो अगर ये पैलोग्राम है और इसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं बी सी और सी डी तब ये आपका क्या बन जाएगा रॉम्बस तो हमने कुछ भी प्रूव नहीं करना है यहाँ पे केवल हमने प्रूफ करना है कि एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल है और इतना प्रूव करने पे हमारा प्रूफ हो जाएगा रोमबस ठीक है तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ के लिए हमें क्या गिवन है ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम ए बी सी डी इज़ अ पैलोग्राम पहली बात तो ये है इज़ अ पैलोग्राम अगर ये पैलोग्राम है तो ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा ए बी विल बी इक्वल टू डी सी ओके और ए बी को तोड़ के लिखिए फिगर वो देखिए ए बी किस से बना है ए पी प्लस बी पी ओके सी डी किस से बने हैं डी आर प्लस सी आर ओके ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर वन अब वैसे ही आप देख सकते हैं अदर पेयर ऑफ जो इसका अपोजिट साइड है एक पेयर तो ए बी और डी सी का था क्योंकि ये पैलोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गया एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड ए डी और बी सी भी इक्वल हो जाएंगे ए डी विल बी इक्वल टू बी सी ओके अब ए डी को तोड़ के लिखा हमने फिगर को देखिए ए डी किस से बना ए एस और डी एस से एस और डी एस को जोड़ के ए डी बनाया तो एस प्लस डी एस हमने लिखा और बी सी किस, किस से बनाया बी क्यू और सी क्यू से फिगर को देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू ओके अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे यहाँ पे क्या करेंगे ए एस को हटा के ए एस बराबर में ए एस जो है ए पी के बराबर में, में होगा यहाँ हमने ए एस की जगह ए पी लिख दिया बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट्स ए से टेंजेंट्स बने हैं ए पी और ए एस टू द सेम सर्कल तो थ्योरम टेन पॉइंट टू का हमने यूज़ यहाँ पे कर लिया है और डी एस की जगह पे क्या आएगा देखिए फिगर को देखिए डी एस किसके बराबर हो रहा है डी आर के बराबर में तो डी एस की जगह पर हम डी आर लिख सकते हैं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स स्ट्रो करें वो टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के होते हैं बी क्यू किसके बराबर बी क्यू को देखिए कहाँ पर बी क्यू विल बी इक्वल टू बी पी तो बी क्यू की जगह पे बी पी हमने लिख दिए हैं प्लस सी क्यू की जगह पे लिख देते हैं हम सी क्यू की जगह पे लिख देते हैं फ्रॉम द फिगर सी क्यू विल बी इक्वल टू सी आर ठीक है तो सी क्यू को हटा के हम सी आर लिख सकते हैं यहाँ पर आप रीज़न लिख देंगे पूरा का पूरा जी जो आपने चेंजेस यहाँ पर लिखे हैं ठीक है ए एस इक्वल टू ए पी डी एस इक्वल टू डी आर बी पी बी क्यू इक्वल टू बी सी क्यू इक्वल टू सी आर फ्रॉम थ्योरम टेन पॉइंट टू या उसके पीछे पूरा स्टेटमेंट ही टेन पॉइंट टू का आप लिख देंगे ओके अब देखिए ए पी प्लस डी आर ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड ठीक है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा या इसको घटा दें बात एक ही है, की है? ठीक है इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वन माइनस टू कर लेते हैं सबट्रैक्टिंग वन सब्टू फ्रॉम वन इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से घटा देते हैं तो ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू क्या था डी आर प्लस सी आर और इक्वेशन टू था आपका ए पी प्लस डी आर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ध्यान दीजिएगा बी पी प्लस सी आर दोनों इक्वेशन को हम घटा देते हैं तो यहाँ से आ गया माइनस 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 ए पी से ए पी कैंसिल सी आर से सी आर कैंसिल तो क्या बचा बी पी नीचे में क्या बचा माइनस डी आर और यहाँ पे बचा आपका डी आर माइनस पी पी बी पी को लेफ्ट हैंड साइड में लाए डी आर को राइट हैंड साइड में लाए तो बी पी प्लस बी पी टू बी पी हो जाएगा यहाँ और डी आर प्लस डी आर टू टू डी आर या एक काम करो ऐसे ही लिखो इसको ज़्यादा बेटर रहेगा बी पी प्लस बी पी लिखो बी पी प्लस बी पी ऐसे रहने देते हैं और इक्वल टू डी आर प्लस डी आर ओके अब फिगर पर आपने ध्यान देना है बी पी देखिए कहाँ पर बी पी में क्या जोड़ के ए बी बन रहा है बी पी में ए पी जोड़ के ए बी बन रहा आपका ठीक है या बी पी किसके बराबर है आपका बी पी बराबर है बी क्यू के ठीक है तो यहाँ से तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं हमें तो एक काम करो यहाँ पे हम इसको हटाई देते हैं टू बी पी लिख दो इसको कोई नहीं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है टू बी पी इज इक्वल टू टू डी आर टू से टू कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास बी पी इज इक्वल टू डी आर ये हमने शुरू में ही कर देना चाहिए था अब देखिए बी पी को देखिए फिगर है बी पी के साथ क्या जोड़ के ए बी बन रहा है ए पी को जोड़ना पड़ेगा तभी जाके ए बनेगा तो हम क्या करेंगे बी पी में हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पर ए पी ताकि पूरी की पूरी जो साइड बन जाए इसकी ठीक है पेलोग्राम की पूरी साइड आ जाए तो हमने क्या जोड़ा ए पी ताकि ए बी पूरा का पूरा बन जाए तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा तो अब हमारे लिए मजबूरी हो गई कि हम ए पी को राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा तो हमने इसको ऐड कर दिया अब देखिए बी पी प्लस ए पी से तो बन गया ए बी अब डी आर प्लस ए पी से कुछ बन रहा है क्या देखिए अगर नहीं रहा तो फिर हमें बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ दिमाग लगा के तो डी आर देखिए कहाँ पर डी आर ये है ओके और डी आर यहाँ है ए पी कहाँ है डी आर प्लस ए पी ऊपर में है तो इनसे कुछ नहीं बन रहा है अब देखिए ए पी की जगह पे डी आर की जगह पे मैं लिखता हूँ डी एस बिकॉज डी आर एंड डी आर एस आर इक्वल तो डी आर की जगह पे डी एस लिखा और ए पी की जगह पे लिख दिया ए एस ठीक है अब तो बनी रहे डी आर डी एस के बराबर में है बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू और ए पी एस के बराबर बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू तो यहाँ से हमारा आ गया ए बी इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस दैट इज इक्वल टू ए डी तो देखिए आप फिगर को ध्यान से देखिए ए बी और ए डी आपस में क्या है ए बी और ए बी और ए डी आपस में क्या है ये आपके एडजस्टन साइड्स हो गए पैलोग्राम के तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस द एडजस्टन साइड्स ए बी एंड ए डी ऑफ द पैलोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल सो दियर फॉर ए बी सी डी इज़ अ रॉन्ग बस ओके होप दिस इज क्लियर तो ये पूरा प्रोसेस आप देखिएगा कैसे मैंने किया लास्ट में थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है ज़्यादा दिमाग भी नहीं है और मेन चीज़ आपकी टारगेट आपके दिमाग में था एडजस्टन साइड्स आपने इक्वल करने थे और ये आपका अचीव हो चुका है कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए ट्राइंगल ए बी सी फिगर बना हुआ है इज ड्रॉन टू सरकम्सक्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर तो रेडियस फोर सेंटीमीटर सर्कल तो ओ डी यहाँ पे फोर सेंटीमीटर होगा ज़ाहिर सी बात है ओके सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी बी डी एंड डी सी एट सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर यहाँ ऑलरेडी फिगर में भी लिखा हुआ है फाइंड द साइड्स ए बी एन ए सी तो ए बी एन ए सी हमने फाइंड करने हैं तो so, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं ई e, और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ये ज़्यादा बेटर का पी क्यू ले लेते हैं ये ई e लिखने में टाइम लगता है पी यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं क्यू ओके अब हम क्या करते हैं सबको को ज्वाइन कर लेते हैं ए से ओ को ज्वाइन कर लेते हैं ओ से क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं ओ से पी को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ से सी को ज्वाइन कर लेते हैं अब देखिए अगर इस सर्कल का जो रेडियस है फोर सेंटीमीटर तो ओ डी फोर सेंटीमीटर हो गया ओ क्यू भी फोर सेंटीमीटर होगा और ओ पी भी फोर सेंटीमीटर होगा चैर सी बात है ओके अब देखिए हमने क्या निकालना है ए बी और ए सी साइड्स निकालनी है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे अब देखिए अगर बी डी एट सेंटीमीटर तो बी क्यू भी आपका एट सेंटीमीटर हो गया बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू और तो अगर सी डी सिक्स सेंटीमीटर तो सी पी वी सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगा बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो सी डी और सी पी इक्वल हो गए बी डी और बी क्यू इक्वल हो गए ये हमने लिख दिया है ओके अब ओ से बी को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग यहाँ पर अब देखिए अब मैं इस ट्राइंगल के एरिया जो है दो तरीके से निकालूंगा एक तो हीरोन्स फार्मूला से और दूसरा क्या बोलते हैं तीन ट्राइंगल यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स करते हुए ओके okay, अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए पी की लेंथ x सेंटीमीटर मान लेता हूँ लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर अगर ए पी एक्स है तो ए क्यू भी एक्स हो जाएगा बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू ओके तो ये शुरू शुरू की चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए फिगर में जो भी चीज़ें हैं सी डी किसके बराबर है सी पी के बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू बी डी किसके बराबर बी क्यू के बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू ए पी किसके बराबर है ए क्यू के बाई थ्योरम टेन पॉइंट टू ए पी को हमने एक्स माना तो ए क्यू बी एक्स हो गया ओके अब मैं इसको पहले नॉर्मली तीन ट्राइंगल्स अलग अलग ले रहा हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल तो मैं लेता हूँ ओ सी ये मैंने डार्क कर लिया है ठीक है ये मैंने ग्रीन कलर से डार्क कर लिया है दूसरा ट्राइंगल मैं ब्लैक कलर से डार्क कर लेता हूँ और तीसरा ट्राइंगल मैं रेड कलर से डार्क कर लेता हूँ ठीक है इन तीनों ट्राइंगल को जोड़ करके पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है तो यहाँ पर हम ले दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए बी ठीक है अब देखिए एरिया ऑफ ओ सी बी क्या हो जाएगा ओ सी बी ओ सी बी वाला देखिए ग्रीन वाला जो ट्राइंगल था आपका इसको देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसमें लगा सकता हूँ मैं हाफ इंटू बेस बेस इसका बी सी है और बी सी की लेंथ कितनी है सिक्स प्लस एट फोरटीन तो हाफ इंटू फोरटीन इंटू जो इसका हाइट होगा वो हो जाएगा ओडी कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इसमें ओ डी बन जाएगा बिकॉज ओ डी जो है रेडियस है और डी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है तो ओडी पे नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा तो ओडी यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्टीट्यूड तो ये आपका आ गया फोर सेंटीमीटर ओके एरिया ऑफ ओ ए सी ओ ए सी में देखिए ट्राइंगल रेड वाला जो ट्राइंगल है हाफ इंटू बीस बीस इसका है सिक्स प्लस एक्स तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें सिक्स प्लस एक्स प्लस सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड यहाँ फोर हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई बी में ट्राइंगल ओ ई बी ब्लैक कलर का जो ट्राइंगल था हाफ इंटू बेस कितना है एट प्लस एक्स हो गया यहाँ पे बेस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको और कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड यहाँ भी आपका ओ क्यू हो गया ओ क्यू की लेंथ है फोर सेंटीमीटर तो टू से यहाँ कट रहा है टू टू जा फोर यहाँ भी कट रहा है टू टू जा फोर यहाँ भी कट रहा है टू टू जहा फोर अब इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कीजिए फोर्टीन टू या ट्वेंटी एट प्लस सिक्स टू जै ट्वेल्व प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स ओके प्लस एट टू जै सिक्सटीन प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टी फोर्टी हो गया फोर्टी प्लस सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स हो गया ओके प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स तो यहाँ से फोर कॉमन ले थे हम लोग फोर कॉमन लिया गया 14 फोर जो फिफ्टी सिक्स होता है फोर्टीन बचा और यहाँ एक्स बच गया स्क्वायर सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ओके अब हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं हम तो बाय हीरोन्स फार्मूला तो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस इक्वल टू क्या होता है तीनों साइड्स का सम अपॉन 2 तो एक साइड तो आपकी फ़ोर्टीन है दूसरी साइड हो गई सिक्स प्लस एक्स तीसरी साइड हो गई एट प्लस एक्स अपॉन टू ओके तो इसको नीचे ही लिख देते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ी जगह यहाँ पे बच जाएगी हमारे लिए आगे सॉल्व करने के लिए तो एस आपका आ गया सिक्स प्लस एट फोर्टीन ए बी सॉरी बी सी प्लस ए सी आपका आ जाएगा सिक्स प्लस एक्स प्लस तीसरी साइड ए बी हो गई एट प्लस एक्स तीनों साइड का सम अपॉन टू तो ये कितना बन गया आपका एस आ गया फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस टू एक्स अपॉन टू तो ऊपर में टू कॉमन ले लो तो 14 प्लस एक्स बच जाएगा टू कॉमन आएगा जो कट जाएगा नीचे वाले टू से तो एस कितना हो गया इतना 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर ओके अब इसके बाद एरिया फिर से निकाला हमने एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ फार्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओके तो यहाँ पर आपका एस कितना है फोर्टीन प्लस एक्स है तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ एस की जगह पर फोर्टीन प्लस एक्स आ गया इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा एस माइनस ए एस माइनस ए माने पूरा का पूरा फोर्टीन प्लस एक्स माइनस ए ए का मतलब हो गया साइड बी सी दैट इज़ इसकी लेंथ कितनी थी फोर्टीन सेंटीमीटर एस माइनस बी एस आपका फोर्टीन प्लस एक्स था माइनस बी का मतलब हो गया बी के अपोजिट जो आपका वर्टेक्स बी है उसकी अपोजिट वाली साइड दैट इज ए सी ए सी कितने हैं सिक्स प्लस एक्स तो घटाने पे आ जाएगा आपका ये माइनस सिक्स माइनस एक्स ओके उसके बाद एस माइनस सी है तो फोर्टीन प्लस एक्स तो एस था माइनस सी सी का मतलब सी पॉइंट को देखिए वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड ए बी तो इसको घटाना तो ए बी क्या है एट प्लस एक्स तो घटाने पे हो जाएगा माइनस एट माइनस एक्स ओके एक्स से एक्स कटा यहाँ पे ऊपर भी एक्स से एक्स कटा ठीक है यहाँ फोर्टीन से फोर्टीन कट रहा है तो बचा क्या आपके पास में रूट ऑफ फोर्टीन प्लस एक्स ब्रैकेट में यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा आपका फोर्टीन फोर्टीन माइनस सिक्स कितना हो गया एट इंटू फोर्टीन माइनस एट सिक्स तो यहाँ से आपका फोर्टी एट बन गया सिक्स एट जहा फोर्टी एट रूट ऑफ सिक्स एट या फोर्टी एट साथ में एक्स है फिर आपका फोर्टीन प्लस एक्स ब्रैकेट में है ठीक है तो सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट होता है आपको मालूम होना चाहिए सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट होता है सिक्सटी जो है फोर्टी एट को तोड़ के लिखेंगे आप सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट सिक्सटीन बाहर आके फोर बन जाएगा तो फोर रूट के अंदर क्या बचा थ्री एक्स और ब्रैकेट में बचा फोर्टीन प्लस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका फिर से हमने एरिया निकाल दी ट्राइंगल एबीसी की ठीक है तो पहले वाले को हम मान लेते हैं इक्वेशन वन और दूसरे वाले को मान लेते हैं इक्वेशन टू तो फ्रॉम वन एंड टू आप लिख देंगे यहाँ फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा फोर टाइम्स फोरटीन प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स रूट ऑफ थ्री एक्स ब्रैकेट में फोरटीन प्लस एक्स फोर से फोर कैंसिल हो गया ओके अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ पहले वाले को जगह का है तो इसको आप ध्यान देंगे ठीक है तो मैं पहले वाला पार्ट को मिटा दे रहा हूँ ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी ठीक है या पीछे जा कर के आप नोट कर लीजिएगा इसको अदरवाइज़ इट इज़ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस ओके तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना है फिर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी फिर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है तो फोरटीन प्लस एक्स फोरटीन प्लस एक्स यहाँ बचा था और इस तरफ क्या बचा था रूट ऑफ थ्री एक्स टाइम्स फोरटीन प्लस एक्स स्क्वायरिंग बहुत साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आप, आपका हो जाएगा फोर्टीन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू यहाँ रूट गायब हो जाएगा तो थ्री एक्स फोर्टीन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में स्क्वायर करने पे रूट गायब हो गया बस और कुछ नहीं होता है अब यहाँ फोर्टीन प्लस एक्स से इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से बचा क्या आपके पास फोर्टीन प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स एक्स को इस तरह भेजिए टू एक्स आ गया इज इक्वल टू फोर्टीन ठीक है एक्स इक्वल टू आ गया सेवन सेवन सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ गई सो देआर फोर अब हमने क्या फाइन करना था ए बी और ए सी तो ए बी कितना हो जाएगा ए बी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एट एट प्लस एक्स था तो एट प्लस सेवन कितना हो गया फिफ्टीन सेंटीमीटर और ए सी कितना हो जाएगा ए सी विल बी इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स तो सिक्स प्लस एक्स माइनस सेवन दैट इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर तो ये हमारा आंसर हो गया ओके okay, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा एक बार हीरोन्स फॉर्मूला से हमने एरिया निकाला ट्राइंगल ए बी सी का एक बार तीन ट्राइंगल्स को ऐड करके पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला ओके हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड वाले फॉर्मूले से नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉर्डिलेटर सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर अब ये क्वेश्चन तो सिंपल ही आपका ज़्यादा कोई नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन नंबर इलेवन और ट्वेल्थ थोड़े से लेंदी थे तो ये आपका इतना लेंदी नहीं है सिंपल सा है ये सर्कल हो गया इसका सेंटर ओ मान लेते हैं हम लोग और एक क्वाडिलेटर है इसको सरकम कर रहे हैं सर्कल को ठीक है ये क्वाडिलेटर हम बना लेते हैं ठीक है ये हमने एक क्वाडिलेटर बना दिए है ओके यहाँ से आपका क्या हो गया ए बी सी डी इज अ क्वारिलेटरल सर्कम्सक्राइबिंग द सर्कल और सर्कल का सेंटर क्या है ओ है अब देखिए हमने क्या प्रूव करना है अपोजिट साइड्स जो क्वाडिलेटरल के हैं जो सर्कल को सर कर रहा है क्वारडिलेटर ठीक है इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स अपटेंड करते हैं तो एट द सेंटर तो ऐट मीनस हमने प्रूव करना है एंगल अपोजिट साइड का एक पे ले लो बहुत ही है चलो हम ए बी और डी की बात करते हैं एक पेयर अपोजिट साइड का ये हो गया अब इनके द्वारा जो एंगल सब हो रहा है सेंटर में एक तो बन रहा है एंगल ए ओ ए बी द्वारा और एंगल डी ओ द्वारा अब इन दोनों का जो सम है ये हमने प्रूव करना है इट इज़ वन डिग्री दे आर सप्लीमेंट्री ओके तो प्रूफ टू प्रूफ में आपका ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी आप लिखेंगे टू प्रूफ में एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना थ्री हंड्रेड एंड सॉरी वन एंड वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री वन एट्टी डिग्री सप्लीमेंट्री आपने प्रूफ करने हैं तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है आप फिर से वही कॉन्गोरेंसी वाली बात यहाँ पर आ जाएगी आप क्या करने हैं अब केवल आपने ज्वाइन करना है यहाँ पर जो जो पॉइंट्स पर ये क्वारिलेट्रल सर्कल को टच करा है इनके नाम लिखने हैं ए बी पी पे टच कर रहा है बी सी क्यू पे और सी डी आर पे और ए डी एस पे ओके अब इनको ज्वाइन कर दीजिए ओ से ओ से इसको ज्वाइन किया ओ से क्यू को जॉइन को ओ से आर को ज्वाइन किया ओ से एस को ज्वाइन किया अब देखिए पहले तो हम करेंगे ट्राइंगल इन दो ट्राइंगल को जो मैंने तीर का निशान लगाया यहाँ पे इन दो ट्राइंगल को कॉन्गोरेंट ओके तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी पी ओ और ट्राइंगल बी क्यू ओ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडिया ऑफ द सेम सर्कल बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के पे जो टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल होते थ्यूरम टेन पॉइंट टू ओ बी इज इक्वल टू ओ बी तो एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्कूरेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी हम यहाँ पे ले सकते हैं ये जो एंगल है मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे बाई सी पी सी टी ये वाला जो एंगल है और ये वाला दूसरा एंगल इसको दूसरे कलर से डार्क कर लेते हैं ग्रीन से ही कर लेते हैं चलो तो ये ब्लैक वाला जो और जो ग्रीन वाला एंगल है ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी और दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को मैं अगर एक्स मानूंगा तो दूसरा वाला भी एक्स हो जाएगा सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्गोरेंट हो जाएंगे तीर का निशान जो मैंने लगाया तो ये दोनों एंगल्स भी बाई सी पी सी इक्वल हो जाएंगे तो एक को वाई मानूंगा तो दूसरा भी वाई हो जाएगा ठीक है इन द सेम मैनर ये तीर का निशान लगा रहा हूँ इन दो ट्राइंगल को भी हम कॉन्गोरेंट कर देंगे इन द सेम मैनर एस 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 रूल से तो अगर ये जेड है तो ये वाला एंगल भी जेड हो जाएगा ओके बाई सी पी सी टी वैसे ही ये दो ट्राइंगल जो बचे हैं ये भी आपके कॉन्गोरेंट हो जाएंगे बाई एस 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 रूल तो वैसे ही आपका इसको यू मानता हूँ एक एंगल को तो दूसरा भी यू हो जाएगा अब वन कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है वन कंप्लीट एंगल इज ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सभी एंगल्स छोटे छोटे जितने भी एंगल्स हैं एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड यू यू इन सबसे सबको ऐड करने पर पूरा का पूरा एंगल बन रहा है कंप्लीट एंगल ठीक है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस एक्स प्लस, प्लस य, आ, वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस यू प्लस यू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री वन कंप्लीट एंगल इससे पहले लिखेंगे आप एज वी नो दैट जैसे कि हमें मालूम है वन कंप्लीट एंगल मेजर्स थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री सो देर फॉर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस यू प्लस यू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटिग्री एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया वाई प्लस वाई टू वाई हो गया टू एक्स प्लस टू वाई जेड प्लस जेड टू जेड हो गया और यू प्लस यू टू यू हो गया इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री टू कॉमन ले लीजिए टू कोपॉन लेक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज़ इक्वल टू टू को x plus y plus z plus u to, में चले जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा वन एट्टी डिग्री काट के ठीक है अब देखिए एंगल ए ओ बी किससे बन रहा है यू और एक्स से तो यू और एक्स को साथ में लिख दो ठीक है एक्स प्लस यू को साथ में लिख दिया और प्लस वाई प्लस जेड को एक साथ रहने दिया इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब फिगर में देखिए फिगर को देखते हुए हमने ये लिखा है वैसे भी तो यू प्लस एक्स यू प्लस एक्स से कौन सा एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी देखिए आप ये ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंटर इसका यहाँ पे है ओ ठीक है यू और एक्स को जोड़ करके आपका बन रहा है एंगल ए ओ और वाई प्लस जेड्स को जोड़ के बन रहा है नीचे पे वाई और जेड एक साथ हैं ये आपके इन दोनों को ऐड करके बन रहा है एंगल डी ओ सी एंगल डी ओ सी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री तो ये आपका प्रूव हो चुका है ठीक है या आप ये भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी ए डी और बी सी भी अपोजिट साइड्स हैं अगर आप बात करें यहाँ पे ए डी और बी सी की तो ये भी अपोजिट साइड है तो ए डी और बी सी द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा उनका सम भी थ्री सॉरी उनका सम भी आपको वन एट्टी डिग्री बनेगा तो यहाँ पे यू प्लस क्या चाहिए मुझे जेड तो या आप यहाँ से आप जो कहानी है इस कहानी को यहाँ से फिर से आप घुमा सकते हैं यू प्लस जेड को साथ में लिख दीजिए और एक्स प्लस वाई को साथ में रहने दीजिए ऑलरेडी बना हुआ है साथ में एक्स प्लस वाई को वैसे ही रहने दीजिए और जेड प्लस यू को ऐसे ही रहने दीजिए इजिक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो यहाँ से आपका दूसरा रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई से क्या कौन सा एंगल बन रहा है एक्स प्लस वाई से इस तरफ यहा एंगल बन गया एंगल एक्स प्लस वाई से एंगल बन गया एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी और जेड प्लस यू से कौन सा एंगल बन गया जेड प्लस यू को ऐड करने पे यह ला एंगल बन गया इस तरफ एंगल ए ओ डी तो यहाँ पे भी आपका अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट साइड्स जो हैं क्वारडिलेटर के उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है बी ओ सी और ए डी इन दोनों का सम भी कितना आ गया 180 डिग्री सप्लीमेंट्री हो गई ये दोनों एंगल्स ओके होप दिस इज़ क्लियर तो बाकी और कुछ भी नहीं है बाकी प्रैक्टिस के ऊपर आपकी बातें हैं और थ्योरम तो बहुत सारी हैं वैसे सर्कल्स में जो क्लास नाइन में आपने ऑलरेडी किए होंगे उसके बाद क्लास टेन में वैसे इस बार तो कम कर दिए आपने कभी जब से नई बुक आई है उससे पहले काफ़ी सारे थ्योरम्स वगैरह हुआ करते थे चलो कोई नहीं फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जो है एक्स्ट्रा बुक से सॉल्व कर सकते हैं ओके तो इसके साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर सर्कल्स कंप्लीट हो चुका है इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ही है साइड इसके बाद ओके सो so, आज की क्लास में इतना ही थैंक यू फॉर टूडेज़ क्लास